जय हिंद देखिए अभी हमारे पड़ोस में पाकिस्तान ईरान और अफगानिस्तान ये तीनों को हम गोल्डन क्रेसेट कहते हैं गोल्डन क्रेसेट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ अफ़ीम का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है हालांकि ईरान के पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान गवर्नमेंट आने के बाद अफगानिस्तान अफीम उत्पादन में पीछे रह गया अफीम उत्पादन पे तालिबान ने प्रतिबंध लगाया एक काम ठीक किया उसने कि अफीम उत्पादन में क्योंकि यहाँ अफीम उत्पादन होगा इनडायरेक्टली स्मगलिंग होकर पंजाब के रास्ते भारत में घुस जाता है और पंजाब इस सब मामले में एकदम त्रस्त हो गया था तो तालिबान ने अफीम पे प्रतिबंध लगाया जिस कारण पूर्वोत्तर में देखेंगे तो म्यांमार अभी दुनिया में सबसे ज्यादा अफीम उत्पादन वाला देश बन गया है अभी इन तीनों देश में इस गोल्डन क्रसेट में एक खास करके आतंक आतंकवादी संगठनों को लेकर ये तीनों देश आपस में लड़ रहे हैं सब तीनों देश लड़ रहे हैं सब यहाँ पे इस एरिया में एक आतंकवादी संगठन है तहरीके तालिबान पाकिस्तान इसे हम पाकिस्तान का तालिबान कहते हैं उसका कहना है कि यहाँ लोकतंत्र की सरकार हटाओ जैसे अफगानिस्तान में तालिबान आया है उसी तरह पाकिस्तान में तालिबान रहेगा उसका नाम रहेगा टी टी पी तहरीक तालिबान पाकिस्तान और ये लोग यहाँ पर आतंक हमले करते हैं और अफगानिस्तान में भाग जाते हैं अफगानिस्तान में भाग जाएंगे और यहां पर अगर पाकिस्तान कुछ कार्रवाई करेगा तो अफगानिस्तानी लोग पे ऊपर कार्रवाई करने लगता है कहता है कि अब हमारी सीमा में क्यों चले गए तो पाकिस्तान अपने ऊपरी भाग में इस एरिया में टीटीपी से परेशान है वही अगर इसको देखेंगे निचले भाग में तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा जो राज्य है वो बलूचिस्तान है और ये बलूचिस्तान है बलूचिस्तान में है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बी एल ए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी इसका कहना है कि हम पाकिस्तान में ही नहीं रहेंगे ई सूचना का कहना है कि हम सरिया कहन लगेगा इसका कहना है हम पाकिस्तान में नहीं रहेंगे तो ये पाकिस्तान में ना चाइना की नाक में दम कर रखा है चाइना का यहाँ ग्वादर बंदरगाह बना है यहाँ के सारे इंजीनियर को मार के भगा दिए सर यहाँ कोई चाइनीज काम करने आता है बी वाले मार के उड़ा देते हैं सर चाइना यहाँ पर एक सड़क लेके आ रहा है सी सड़क चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ये भारत के पी -के, के होते हुए जा रहा है हालाँकि भारत ने इस पर विरोध जताया कि आप हमारे एरिया से क्यों लेके जा रहे हैं लेकिन फिर भी ये एरिया तो चाइना पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर इसलिए वहां से सीपीसी लेके चला गया तो ये बीएलए वाले जो हैं ये चाइना के लिए भी सरदर्द बन गए हैं सब और पाकिस्तान के लिए भी सरदर्द बन के रह गए हैं सब अब बीएलए वाले क्या कर रहे हैं यहाँ पर हमला करते हैं पाकिस्तानी आर्मी को मार के उड़ा देते हैं सब यहाँ पर और उसके बाद भाग जाते हैं सब ईरान में ईरान की इस राज्य का नाम है सिस्तान ईरान की इस राज्य का नाम है सिस्तान राज्य है सिस्तान अब समझिए ध्यान से सिस्तान की एक अलग समस्या है पाकिस्तान कहता है कि भाई तुम्हारे यहाँ भाग के चले आए सब अब सिस्तान क्या कहता है सिस्तान में ना ये एरिया में सुन्नी ज़्यादा रहते हैं सुन्नी सुन्नी बहुल एरिया है सिस्तान ये वाला एरिया और ये सिया बहुल है। सिस्तान वालों का कहना है कि हम ईरान में नहीं रहेंगे तो ये ईरान में मारते हैं सब और पाकिस्तान में भागाते हैं सब तो मतलब इधर का आतंकवादी भागा इधर और इधर का आतंकवादी भागा इधर तो ये लोग आतंकवादियों का एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे इ, इस बम मार रहा है ये इस पे मार रहा है ये इस पे मार रहा है ये इस पे मार रहा है यहाँ पे गजब सब भयानक उलझा हुआ है सब अभी के डेट में तो ये ये लोग हैं लोग भाई हम लोग के लिए तो भाई हमारे दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त जाओ भाई मारो और बढ़िया से मारो तुमको एकदम ऊपर वाला तुमको एकदम और ताक़त दे दे मारो इस शुरू के यहाँ पर तो पाकिस्तान में तहरीक तालिबान टी टी पी टी टी पी तालिबान पाकिस्तान ये यह यहाँ पर इस एरिया में बहुत ज़्यादा बड़े आतंकवादी हमलाओं को अंजाम देता है यहाँ पर अभी हालिया घटना में यहाँ एक जगह है मीर अली पाकिस्तान के इस एरिया में है मीर अली यहाँ पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान वालों ने हमला किया और सात आर्मी जवानों को मार दिया जिसमें एक कर्नल और एक कैप्टन समेत सात जवान शहीद हो गए यहाँ पर 2014 में ना ये टीटीपी वालों ने इसी एरिया में पेशावर के पास एक मिलिट्री स्कूल पर आक्रमण कर दिया था और मिलिट्री स्कूल पर जो आर्मी अफसर के बच्चे पढ़ रहे थे उन लोगों को मारा था तो ये एरिया काफी आसान था जिस वजह मारने के बाद ये अफगानिस्तान में घुस गए जब ये अफगानिस्तान में घुस गए तो जेन्य बात है कि पाकिस्तानी आर्मी के जवान शहीद हुए हैं पाकिस्तान बदला लेगा ही लेगा तो यहाँ पर जैसे हम लोग ने पुलवामा के बाद घुस के मार दिए थे वहाँ पर वैसे ये लोग भी कहे कि भाई हम अफग़ानिस्तान में घुस के मारेंगे और यहाँ की आर्मी जो थी अफगानिस्तान में घुस गई यहाँ से अफगानिस्तान में जाके कर करके चले आए सब अब अफगानिस्तान में है तालिबान की सरकार तालिबान का कहना है कि तुम हमारे यहाँ बम्बाडमेंट किया है हमारे यहाँ कई सिविलियन मारे गए आम जनता मारी गई बम गिरा के चला गया अब हम तुम वो बदला लेंगे यहाँ पे अब तालिबान वालों ने अपनी पूरी सेना लगा दी है अब ये वही तालिबान वाले हैं जो अमेरिका को मार के भगाए हैं सब दस साल लड़के रशिया को मार के भगा दिया सब और बीस साल लड़ के ये लोग भगा दिए सब यूएसए को अफगानिस्तान को कहा जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ द एम्पायर बड़े बड़े राजा महाराजा यहाँ भाग के गए हैं अंग्रेज जब हम लोग के शासन करते थे तो इसे बहुत पहले ही स्वतंत्र कर दिए भाई हटाओ इसको यहाँ पे बवाली है सभी सब सिकंदर यहाँ लड़ रहा था तो उसकी माँ पूछी कि तीन साल से तुम एक जगह यहाँ पे काहे लड़ रहा है तो दूसरी के कहा कि भाई ये उठपटांग जगह है यहाँ पे इन लोगों ना अफगानिस्तान वालों को जी ह्यूमन ग्रोथ इन पर कोई मतलब नहीं बस मारो ससुरों को अब ये यहाँ पर लगा दिया पूरी अफगानिस्तान वाली सेना लगा दी है सब यहाँ पर और अफगानिस्तान में जो अभी तालिबान है उसके पास एकदम लेटेस्ट हथियार है वो अमेरिका वाले हथियारों को यूज़ कर रहे हैं सब वहाँ पर तो इस एरिया में अब पाकिस्तान क्या करें तो पाकिस्तान यहाँ पे अपने टैंक्स को खड़ा किया हालिया में पाकिस्तान चाइना की मदद से टैंक बनाया चाइना की मदद से पाकिस्तान ने एक टैंक बनाया और उस टैंक का नाम रखा हैदर टैंक और चाइना हैदर टैंक यहाँ पे जबकि ये चाइनीज टैंक है इसका नाम बदला गया हैदर टैंक चाइना इस टैंक को यूज नहीं करता है वो पुराना हो गया तो चाइना इसको दे दिया ये क्या किया उसका ढांचा वाचा बदल के उसके नाम रख दिया हैदर टैंक अभी टैंक वो अपने से चल जा रहा है रखे रखे अपने से फायर कर दे रहा है उसका हैदर टैंक पागल हो गया मार रहा है तो निशाना गलत लग जा रहा है अभी अभी सोचिए उसको अफगानिस्तान के बॉर्डर पे इसकी जरूरत है उसका मेन बैटल टैंक पागल हो गया है अपने से फायरिंग कर रहा है पाकिस्तान पूरी तरह परेशान हो गया अब लोग चाइनीज सामान तो क्या होगा ये सब चाइनीज सब कुछ कोई भरोसा है यहाँ चाइनीज का और ये लोग बैंड पार्टी वाले सब नहीं बैंड पार्टी नहीं है ये उसका आर्मी प्रमुख है यहाँ पे हालांकि ये सब हम लोग ये वाला ड्रेस हमारे यहाँ बैंड वाला पहनता है आगे समझते हैं अब पाकिस्तान का ये एरिया तो देखे अब बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है बलूचिस्तान ये वाला एरिया में इस बलूचिस्तान की अलग समस्या है बलोच लोगों का पाकिस्तान बलोचों पे बड़ा जुल्म करता है यहाँ पे बलोच इसे मार के भाग गए ऐसे ईरान में ईरान में भागे सब पाकिस्तान का मन बढ़ा था पाकिस्तान ने हमला कर दिया ईरान के ऊपर पाकिस्तान ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया ईरान ने कहा कि भैया हम भी तुमको मारेंगे ईरान बोलता है कि हम भी तुम्हें मारेंगे यहाँ पर तो ईरान भी भड़क गया है इन लोग के ऊपर यहां पर हालांकि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वालों का बी वालों का कहना है कि जब तक ये बलूचिस्तान अलग नहीं हो जाता है यहां पर हमले जारी रहेंगे और यही बलूचिस्तान वालों का है नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि पाकिस्तान बलूचिस्तान वाले लोगों को हम अकेले नहीं छोड़ सकते और हम लोग भी कहते हैं कि बलोच वाले लोग हम आपके साथ खड़े हैं एकदम रहिए यहाँ पर और बलोच वालों को हम याद दिलाना चाहते हैं अपने बलोच भाइयों को कि उन्नीस करना हम लोग बांग्लादेश के साथ खड़े थे पूर्वी पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान से तोड़ लोग उसी तरह हम लोग इस बार भी बलोच वालों के साथ खड़े हैं भाई हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं बलोच के साथ है तो हम को तो क्या दिक्कत है हम तो वैसे भी रहेंगे मारो ससुरो इसको यहां पे अब ये मार के भाग जाते हैं ईरान में अब ये हमला कर दिया ईरान के ऊपर बस ईरान उठा तो मार दिया इसके ऊपर यहां पर तो ये बलोच वाला समस्या हो गया ईरान के पास ये एरिया का नाम है सिस्तान ईरान के पास इस एरिया का नाम है सिस्तान हालांकि सिस्तान में सुन्नी बहुल एरिया है वो इन पर हमला कर देते हैं और जब ये आता है तो ये लोग भाग आते हैं बलूचिस्तान वाले एरिया में हालांकि हमारे लिए सिस्तान का एरिया शांत रहना जरूरी है क्योंकि भारत ने यहाँ चाबहार बंदरगाह बनाया है और इस चाबहार बंदरगाह से हम लोग जाहेदान तक रेलवे लाइन ले जाएंगे और यहाँ से फिर कंधार और काबुल तक रेलवे लाइन ले जाएंगे ये रेलवे लाइन बहुत ज़रूरी है यहाँ तक इसके बाद हम दुसाम्बे तक ले जाएंगे यहाँ एरिया में जैसे हम लोग अपना ले जाएंगे तो दुसान्बे में हमारा यहाँ एयरफोर्स स्टेशन है हमारी यहाँ वायुसेना रहती है और ये वायुसेना इतनी जरूरी इसलिए है कि चाइना भले बड़ा देश है लेकिन चाइना का जितना ऑयल रिजर्व है ऑयल के कुएँ जो स्टोरेज है वो सारा यहाँ है यहाँ से एयरफोर्स अगर इस पर आक्रमण कर देती है पूरा इसका ऑयल सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा तो हमेशा ईंधन वाले एरिया पर कब्जा करके रखना ज़रूरी होता है तो काफ़ी ज़्यादा दोनों देशों के बीच इस मामले में अभी टेंशन चल रहा है हालांकि नई गवर्नमेंट के आने के बाद दोनों देशों ने एक्सेप्ट किया है कि यहाँ से ना इधर कोई उग्रवादी संगठन आए ना यहाँ से इधर आए लेकिन भैया ये पाकिस्तान इसका निर्माण ही हुआ गलत तरीके से करके आतंकवादियों ने ही इसका निर्माण किया और यहाँ पे ना वो टी, -टी मानने वाला है अब ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं सब अशांति रहे और दूसरा आप देख रहे हैं यहाँ पे महंगाई अपने चरम पर पहुँच गया आई एम बेल आउट पैकेज पे पैकेज दिए जा रहे हैं चाइना का लोन अपने हाई टर्म्स बढ़ गया इसके बाद भी ये सूचरा अपने लिए फाइव 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 फिफ्थ जनरेशन का जहाज खरीद रहा है इसके बावजूद इस सूचरों को समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे हमला करेंगे यहाँ पे किसी भी जगह पे सबसे जरूरी होती है इकोनॉमी हमेशा इकोनॉमी अगर रहेगी तो कोई भी देश से करेगा रसिया टूट गया इकोनॉमी के वजह से चाइना आज राज कर रहा है इकोनॉमी के वजह से पैसा नहीं रहेगा तो सब तबाह हो जाएंगे पैसा पे ध्यान ही नहीं दे रहा हालांकि नई गवर्नमेंट भी आई है वो सेना के हिसाब से ही आई है वहाँ पे पिट्ठू सरकार है यहाँ पे इसलिए पाकिस्तान में कोई गवर्नमेंट उससे बात करना भी नहीं चाहता क्योंकि किससे बात करेगा सेना का ही वहाँ दबदबा होता है सेना से कोई डायरेक्ट बात नहीं करता है आई होप आप इस टॉपिक को समझे होंगे और नीट वाले विद्यार्थी आप लोगों के लिए और नीट और जेई वालों के लिए आप सब लोग के लिए छह अप्रैल को पटना के बापू सभागार में अप्रैल पटना के बापू सभागार में एक बड़ा आयोजन किया जाएगा और वहां सारे टीचर आएंगे आपको जितने आपको पढ़ाने वाले होंगे और अब आप लोग को कोटा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी वहां से बेस्ट टीचर आपको आएंगे और अप्रैल को बापू सभागार यहाँ पर आप लोग इवनिंग तीन पीएम पे थ्री पी तीन पी पे आप लोग आएंगे वहाँ पर और जो लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन कर लेंगे क्योंकि अपनी अपनी वहाँ पर सीट बुक कर लेंगे और जो गार्जियन होंगे वो लोग भी समझेंगे कि जब भी आप एडमिशन कराइए किसी भी संस्था में अपने बच्चों का तो ये जरूर पूछिए कि आपके बच्चों को कौन पढ़ाएगा टीचर कौन पढ़ाएगा कोचिंग नहीं पढ़ाती है बच्चों को बच्चों को पढ़ाते हैं कोचिंग के अंदर टीचर और अगर आप कोचिंग का शक्ल देख के एडमिशन कराएंगे कि बढ़िया शीशा लगल है गिलास लगल है बैठने का व्यवस्था है तो एक साल बाद याद रखिएगा जब आपका बच्चा सुसाइड करेगा

दस ए एम पे मॉर्निंग शिफ्ट में यूपीएससी पी का अभी अभी तो इधर नया पैटर्न वो आ गया आपका इलेक्शन के वजह से यूपीएससी अपने एग्जाम को पोस्टपोन करके जून में लेके चली गई है इस वजह से यूपीएससी वाले बच्चों को मेंस लिखने के लिए बहुत कम टाइम मिलेगा इसलिए थोड़ा पहले से तैयार रहना पड़ेगा क्योंकि मेन्स जब होगा अक्टूबर के टाइम पर तो उस समय कोई इलेक्शन वगैरह नहीं रहेगा और वो मेन्स टाइम से लेगा ले और बी पी एस सी तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है अपने जगह पर लेगी इकतीस सितम्बर को और जो बी पी एस सी टीचर का एग्जाम कैंसिल करने की था वहाँ पर पेपर जो आ गया था उसे आज ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ गया है उसे कैंसिल कर दिया जाएगा हालांकि जिस दिन लीक हुआ था उसी समय पटना पुलिस की ईओयू शाखा इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया था बता रहे थे लोग कि हम मतलब कि उनके पास प्रॉपर तथ्य हैं और आज उसकी चीजों को कैंसिल भी कर दिया गया आई होप आप इस टॉपिक को समझे होंगे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जय हिंद